इजी कुकिंग एंड मोर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरी किचन में बनने वाला है स्मोकी दाल मखनी। तो दाल मखनी की रेसिपी देखने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, जिससे कि मेरी रेसिपी उन तक जल्द पहुंच पाए। चलिए देखते हैं स्मोकी दाल मखनी की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 3 कप साबुत उड़द दाल लिया है, जो काली दाल होती है साबुत उड़द दाल, और उसे रात भर पानी में भिगोकर रख दिया था। अब उसे धोकर साफ कर लिया है और उसे पानी से अलग कर लिया है। 3 कप उड़द दाल के साथ यहाँ पर 1 कप फुला हुआ राजमा भी लेना है। उड़द की दाल और राजमा को मैंने रात भर पानी में सोख करके रखा था, अब इसे उस पानी से अलग करके कुकर में रख दिया है, और उसमें दाल से लगभग काले उड़द की दाल और राजमा से आप इतना ज़्यादा पानी रख सकते हैं, लगभग 1 इंच ज़्यादा पानी रखते, और इसमें नमक डाल देंगे। अभी जो हम नमक दाल में डाल रहे हैं, इसके बाद हमें इसे ध्यान में रखते हुए ही बाद में भी नमक डालना है। कुकर को बंद करके गैस पर चढ़ा देंगे। 1 सीटी तेज फ्लेम पे लगाने के बाद हम गैस चूल्हा के फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे, मतलब मीडियम फ्लेम पे हमें 3 सीटी और लगानी है। 4 सीटी में ये दाल ऐसा हो गया है, देखिए ये बिल्कुल पक चुकी है दाल, ये दाल और राजमा बिल्कुल पक चुके हैं। अब एक पैन ले लेंगे। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन लिया है, लेकिन आप कोई भी पैन ले सकते हैं। इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, जो भी ऑयल आप खाने में यूज़ करते हो उसे डाल सकते हैं, और उसमें मैंने यहाँ पर लगभग 50 ग्राम बटर डाल दिया है। बटर मेल्ट हो रहा है, इसे बहुत ज़्यादा मुझे मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसलिए मैंने इसमें अब 3 कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है, 1 इंच ग्रेटेड अदरक रख दिया है। अब इसे चलाते हुए थोड़ा सा भूनेंगे। मैं जब भी बटर डालती हूँ कढ़ाई में, तो उससे पहले थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, ताकि वो बटर जले नहीं। मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ के टमाटर को मिक्सी में पीसकर उसका पेस्ट तैयार कर लिया है। बटर में भुने हुए अदरक मिर्ची के साथ मैं ये टमाटर इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें नमक डालेंगे। नमक हमें ध्यान रखना है, हमने पहले दाल में भी नमक डाला हुआ, तो उस अंदाजे से ही अभी नमक ऐड करें, और अपने स्वाद का भी ध्यान रखें, आप तेज़ नमक पसंद करते हैं या हल्का नमक। टमाटर को अच्छे से पकने देना है और भुनना है। टमाटर को लगभग इसी तरह 3 मिनट तक हम चलाते हुए भुनेंगे। अब टमाटर अच्छे से भुन गया हुआ है, इसमें उबली हुई दाल और राजमा को ऐड कर देंगे। अब हमें दाल चलाने के लिए ऐसा कोई चम्मच चाहिए जिससे कि हम प्रेस करके दाल को थोड़ा प्रेस कर सकें, मैश कर सकें, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ऐसे मैश करते हुए चलाएंगे हम। दाल मखनी का कलर हल्का ऑरेंज कलर का होता है, तो इसमें हम मिर्च भी डाल सकते हैं कलर के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे मिर्च पाउडर नहीं डाल रही हूँ, मैं ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ 1 चुटकी। हम दाल मखनी में हल्दी नहीं डालते हैं, क्योंकि इसका रंग हमें पीला नहीं चाहिए, हल्का ऑरेंज कलर चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा दिख रहा है, वैसे दाल मखनी थोड़ी गाढ़ी ही होती है, लेकिन ये अभी थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है, तो हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर लगभग 3 कप पानी डाला है। आप दाल को देखते हुए जितना सफिशियंट लगे उतना पानी आप डाल सकते हैं, जितना थिक आपको ये दाल रखना हो उस अंदाजे से आप पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 कप पानी डाला है, लेकिन पानी गर्म ही ऐड करें। जब हमें लगे कि दाल अब 1 मिनट में हमें उतारना है चूल्हे से, तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में मैंने यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1.5 बड़ा चम्मच गरम मसाला डाला है, और इसे अच्छे से मिला लिया है। मसाले को दाल में डालकर इसे अच्छे से मिला देंगे और 1 मिनट तक उबलने देंगे। अब दाल बिल्कुल पक चुकी है। अब गैस स्टोव बंद करने से पहले इसे 50 ग्राम बटर और डाल देंगे और बटर को दाल में मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने दूध से उतारे हुए मलाई को ही यूज़ किया है। दूध से हटाए हुए मलाई को अच्छे से फेंट लें,
फिर उसे दाल के ऊपर डाल दें ऐसे और गैस स्टोव बंद कर दें। धनिया के फ्रेश पत्ते पड़े उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, उससे मैं यहाँ पर गार्निश कर दूंगी इसे। दाल मखनी तो बनकर तैयार हो गई है, लेकिन हमें सिर्फ दाल मखनी नहीं स्मोकी दाल मखनी बनानी है। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोल यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर ये स्मोकर्स कोल लिया है, ये एक्टिवेटेड कोल हर जगह मिल जाता है, आप इसे मंगा कर रख सकते हैं अपने घर पे। इसे जब भी कभी किसी खाने में स्मोकी फ्लेवर लाना हो तो हम यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो, अगर लकड़ी जला हुआ लकड़ी हो आपके पास, तो आप लकड़ी के टुकड़े को जला के भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ऐसा कोई भी कोल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, कोयले के टुकड़े को, और ऐसे गैस पर रख के आप जला लें उसे, वो जल जाए तो आप उस दाल वाले पतीले में ही फॉयल पे या फिर किसी कटोरी में इस तरह से रख के और कोयले के टुकड़े को उस कटोरी में रख दें और उस पर मेल्ट किया हुआ घी डालें एक चम्मच, उस पतीले को कवर कर दें। यहाँ पे मैंने हांडी को कवर कर दिया है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसके अंदर स्मोक भर गया हुआ है। इसे एक मिनट तक ऐसे ही कवर करके रहने दें, स्मोक को अंदर ही रहने दें, और जब सर्व करना हो तब इसे निकालें और गर्मा गर्म ये दाल मखनी सर्व करें। 100% गारंटी है ये दाल मखनी इतनी लाजवाब बनेगी कि फिर आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छी दाल बनाई। इस दाल में मक्खन का बहुत यूज हुआ है। जब हम दाल मखनी को सर्व करते हैं तो उसमें फिर से छोटा सा बटर का क्यूब डालते हैं, तो इस दाल में बटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो इसे कभी कभी बनाकर ही खाएं, ज़्यादा ना खाएं, लेकिन हाँ इस तरह से बनाएं और स्वादिष्ट दाल खाएं। आप क्रीम में मार्केट वाला क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मार्केट वाला क्रीम नहीं है तो आप घर में ही दूध के ऊपर जो जमा हुआ मलाई है उसे हटा लें और उस मलाई को फेंट लें अच्छे से और उसे इस तरह से क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही स्वाद होता है। इसे रोटी के साथ, नान के साथ या फिर पराठे के साथ, जो आप खाना चाहें इसके साथ सर्व करें। तो तैयार है स्मोकी फ्लेवर्ड दाल मखनी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। फिर मेरे चैनल के साथ बने रहिए इसी तरह। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।